हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। नहीं रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। हार्ट अटैक के बाद दिल्ली एम्स में 42 दिन से चल रहा था इलाज। दुनिया को हंसा कर अब रोता छोड़ चला। शायद ऊपर वाले के दरबार में मनोरंजन की कमी रही होगी। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार। गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए। सामने लोग बैठे रहे और काला पर्दा झूल गया। राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते आखिर खबर आ ही गई। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। उम्र 58 साल थी। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से एम्स में ही भर्ती थे। इलाज में पता चला कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज। कानपुर से तय किया था मुंबई का सफर। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नया पूर्वा में हुआ था। उन्होंने 1993 में हास की दुनिया में कदम रखा। 1980 में वे कानपुर से मुंबई के लिए भागे थे। अपने घर की दीवार फाँक कर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से मुंबई भाग गए। उनके पड़ोसी ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब नाम कमा कर ही लौटूंगा। 10 अगस्त को दिल्ली में राजू को हार्ट अटैक आया था। राजू के पीआरओ गर्वित नारंग ने बताया, राजू श्रीवास्तव दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने आए थे। उनकी मुलाकात का समय तय था। वे होटल में रुके थे। कमरे में कुछ देर रुकने के बाद बुधवार सुबह वे जिम करने चले गए। वहीं पर हार्ट अटैक आया। उसी दिन शाम को डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की, लेकिन उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। राजू का हाल जानने के लिए कानपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम भी एम्स पहुंचे थे। उन्नाव सदर से विधायक पंकज गुप्ता ने फोन पर उनका हाल चाल लिया। पीएमओ और मुख्यमंत्री ऑफिस से लगातार उनका अपडेट लिया जा रहा था। राजू श्रीवास्तव ने कुल 16 फिल्में और 14 टीवी शो में काम किया था। 13 अगस्त को बिग बी ने राजू के लिए संदेश भेजा था। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी ने राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश भेजा था। इसमें अमिताभ कह रहे थे, राजू उठो, बहुत हुआ, अभी काम करना है, उठ जाओ, हम सबको हंसना सिखाते रहो। राजू को ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी। गजोदर संकटा के किस्से सुनाए गए थे। राजू के भैया और कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव ने बताया, भैया की रिकवरी स्लो थी, इसलिए भैया को परिवार के रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज सुनाए गए थे। उनको गजोदर और संकटा के किस्से भी उनकी ही आवाज में सुनाए गए। राजू श्रीवास्तव लाफ्टर चैलेंज शो के जरिए काफी मशहूर हुए थे। कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में उसी टीम का रियूनियन हुआ था। राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में और 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी कराई थी। उसके बाद बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव के एंजियोप्लास्टी की। अमिताभ बच्चन की दीवार देखने के बाद ही राजू के मन में हीरो बनने का सपना जागा था। वे 1982 में मुंबई आए, पर हीरो बनने से पहले ऑटो ड्राइवर बने और उनकी किस्मत भी यहीं से पलटी। पिछले 42 दिन में कई बार बेहतर होते सेहत की खबरें आती रही, लेकिन आखिरकार ये दुखद खबर आई। राजू चले गए कहते हुए कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए तो कहे कि आप भैंसे पर बैठे हैं, मैं पैदल चलूंगा, आप नेक आदमी हैं। ये राजू श्रीवास्तव ने ही कही थी। टीडी रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो क्योंकि यमराज भी आए आपको लेने। तो कहे अरे भैंसे बाप आप बैठिए, आप भैंसे बाप बैठिए, नहीं नहीं भैंसे बाप बैठिए, नहीं नहीं आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं देखिए आप भले आदमी है, नेक आदमी है, आप भैंसे आइए, आप भैंसे बाप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, ऐसे बन के दिखाओ। अरे चाची चाची नमस्ते नमस्ते, पहले लगी चाची, हाँ नहीं ज्यादा बात कभी नहीं किया, यमराज की कोई बात किया बाद में, आप देख लेना उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ चाय बन रही है, पप्पू पकौड़ी ले ले यार।